हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है ये डोरमैट। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और कितना सुंदर लग रहा है। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। देखिए कितना सुंदर सा डोरमैट है, तो चलिए इसे बनाकर भी मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू डिजाइन का डोरमैट, वो भी सिर्फ 4 फंदों वाला। तो देखिए पहले हम फंदे डालेंगे ब्लैक कलर से। देखिए मैंने एक नोट लगा ली है और एक फंदा हो गया हमारा, दूसरा फंदा ये वाला हो गया और तीसरा फंदा और चौथा फंदा। तो इसे हम बनाएंगे, एक यानी 4 फंदे हम बना लेंगे। देखिए ये मैंने एक रो बना ली, ऐसे ही हम 3 रो बनाएंगे। मैं आपको मैक्रम से बना के दिखा रही हूँ ये डोरमैट। अगर आपके पास ऊन है तो आप ऊन से भी बना सकते हैं, जैसा आपके पास कलर हो वैसे कलर से बना लें। अगर आपके पास ऊन भी नहीं है तो आप साड़ी का या दुपट्टों का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साड़ी में से 1-1 इंची के गोले कट कर लें और दुपट्टे में से 1.5 इंची के गोले कट कर लें, गोला बना लें। इसी तरीके से 2 कलर हो तो 2 कलर का इस्तेमाल कर लें और 3 कलर 4 कलर हो तो 4 कलर का इस्तेमाल कर लें। अगर आप एक कलर से ही बनाना चाहते हैं तो एक कलर से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने ये 1-2 रो बना ली हैं और ये 3 रो। आप इसे किसी में से भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसमें से बना सकते हैं। 1-2-3 मैंने 3 सिलाई फेरी है अभी और दोनों तरफ से इसमें 8 सिलाई फेरनी है और एक तरफ से 4 सिलाई फेरनी है। देखिए मैंने ये 4 सिलाई इस पर लगा ली है। अब क्या करेंगे हम उल्टी तरफ आए। अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा लें और अगर आप एक कलर का ही बनाना चाहते हैं तो एक कलर का बना सकते हैं। देखिए ऐसे कलर लगाएंगे दूसरा वाला इस तरीके से, ऐसे ये मैंने दूसरा कलर लगा लिया। अब यहां से क्या करेंगे हम, इसमें मैंने देखो ये 4 फंदे लगा लिए और दूसरा कलर भी लगा लिया 4 फंदों के बाद। अब इसमें हम 4 फंदे बढ़ाएंगे इधर की साइड में, 3 और ये 4। अब यहाँ से अपने चारों फंदों को बनाएंगे, 1 यानी 8 फंदे हो गए इसमें, 4 ये वाले और 4 वो। ये मैंने 4 फंदे बना लिए, अब हम इसे भी बनाएंगे। ये देखो मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने इधर की साइड में फंदे बढ़ाए थे वैसे ही 4 इधर की साइड में बढ़ाएंगे, 2-3 और ये 4। ये 4 फंदे हो गए। अब हम सभी फंदों को जैसे हमने ये काला कलर का बुना था, ये ब्लैक कलर का, वैसे ही 4 रो हम इसे भी बनाएंगे। तो देखिए मैं एक बार बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। तो एक रो अभी आपके सामने बना रही हूं मैं। देखो इसी तरीके से हमें सभी को बनाना है। अब अपने कलर 4 रो के बाद कलर चेंज करते जाएंगे। अगर आप 2 कलर से बना रही हैं तो इसी तरीके से कलर चेंज कर लें, अगर 4 कलर से बना रही हैं तो अपने हिसाब से कलर चेंज कर लें। तो देखिए मैंने ये 1 रो यानी 2 रो हो गई इसमें, 3 रो भी बाकी हैं। देखो अब क्या करना है, बस ऐसे ही ये बुनना है।
और कुछ भी नहीं करना। और चार रो के बाद फिर हम अपना कलर चेंज कर लेंगे और फिर फंदे इसी तरीके से बढ़ाएंगे। जैसे हमने कलर चेंज करने के बाद ये फंदे बढ़ाए, देखो कलर चेंज करने के बाद ये वाले फंदे बढ़ाए, फिर ब्लैक कलर का लगाएंगे, फिर फंदे बढ़ाएंगे, चार इधर की साइड, चार इधर की साइड। तो ऐसे ही थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। जितना बड़ा आपको बनाना है बस ऐसे ही फंदा बढ़ाते जाए दोनों तरफ से, इधर की साइड से भी, इधर की साइड से भी। जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतने फंदे बढ़ा लें, और जितना छोटा बनाना चाहती हैं उतने ही फंदों पर छोटा बन जाता है। तो अभी मैं कुछ फंदे और बढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अब इसमें मैंने देखो बहुत सारे फंदे बढ़ा लिए हैं। अगर आप और बढ़ाना चाहती हैं, इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, मगर मैं इससे बड़ा नहीं बना रही हूँ। तो क्या करूँगी, देखिए एक दो तीन रो हो गई मेरी, इसमें मैंने सभी में चार चार रो की हैं क्योंकि मैंने फंदे बढ़ाए हैं। अब एक दो तीन, तीन रो करके हम यहाँ से चार फंदे बढ़ाएंगे, घटाएंगे एक, इसी कलर से घटाएंगे, दो तीन और ये चार। देखिए मैंने यहाँ पे ये चार फंदे घटा दिए। अब मैं यहाँ से अपने चार लाइन पूरी करूंगी, ये तीन लाइन थी तो चार लाइन पूरी करूंगी। देखो इस तरीके से एक दो तीन चार लाइन पूरी हो गई हमारी। तो इस रो को मैं लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। देखिए यहाँ तक बनाकर मैं उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने पूरी रो लगा ली है। अब क्या करेंगे, हम दूसरे कलर लगाने से पहले इधर की साइड से भी हम फंदे घटाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे घटा दिए। अब चौथा फंदा हम जो कलर लगाएंगे उससे बढ़ाएंगे, इसमें कलर लगाएंगे चेंज करेंगे उससे बढ़ाएंगे। देखो ब्लैक कलर से बढ़ाया मैंने, तो ये चार फंदे घट गए हमारे। अब इसे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, सभी को ब्लैक कलर से बनाएंगे, चार लाइन दोनों तरफ से, आठ लाइन और एक तरफ से चार लाइन, यानी चार रो। इस तरीके का डोरमैट में कोई सुई धागे की सिलाई नहीं होती, सिर्फ ये सिलाइयों से ही बन जाता है पूरा, सिलने के भी आवश्यकता नहीं है। इसे बहुत ही प्यारा लगता है, आपसे कितना भी बड़ा बना लें या छोटा बना लें किसी डोरमैट को सिलना नहीं पड़ेगा इस वाली डिजाइन में। देखिए ऐसे मैंने इसकी डिजाइन बनाई है दोनों तरफ से। तो अब क्या करते हैं, ये मैंने आपको घटाकर दिखा दिए फंदे, सेम उसी तरीके से हम घटाते जाएंगे। जैसे इधर की साइड में डिजाइन बनी है बढ़ाते हुए, ऐसे ही बनेगी घटाते हुए। तो मैं आप थोड़ा सा और इसे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये फंदे जैसे बढ़ाए थे वैसे ही चार चार फंदे मैंने घटाए हैं। अब देखिए मैं आपको फिर से घटाकर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से ये हम चार फंदे घटाएंगे, दो तीन और ये चार। अब इस लाइन को हम पूरा बुनेंगे, देखो ये मैंने बुली नहीं, एक रो मैंने बना ली है। अब इधर की साइड में आएंगे, इधर की साइड से भी हम चार फंदे घटाएंगे, एक
दो तीन और ये चौथा फंदा हम जो कलर चेंज करते हैं उससे बनाएंगे, यानी ये चार फंदे घट गए, टोटल फंदे इसमें मेरे चार बाकी रह गए हैं, तो इन चार फंदों की हम चार लाइन बना लेंगे, यानी चार रो बना लेते हैं इसे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस डोरमैट को बनाना बहुत ही आसान है, मैं तो कहती हूँ आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखें और बहुत ही जल्दी बन जाता है, एक दिन में ये डोरमैट पूरा हो जाता है, यानी 3 घंटे में ये डोरमैट पूरा हो जाता है। चाहे आप बड़ा बना लें तो 3 घंटे लगेंगे, मैंने ये छोटा सा बनाया है तो मैंने 1 घंटे में ही बनाकर पूरा कर दिया है। और 60 फंदा या 70 फंदों के बढ़ाकर बनाएंगे आप तो उसमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। देखो इस डोरमैट में कोई सिलाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इसे किसी से भी बना सकते हैं, जैसे कि ऊन, मैक्रम या साड़ी या दुपट्टे, आप किसी में से भी बना सकते हैं, इसी तरीके से बनेगा। मेरे पास ये मैक्रम थी तो मैंने उससे बनाया है। अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि मैम साड़ी से बनाकर दिखा दो या ऊन से बनाकर दिखाओ, तो मैं फिर से आपको ये डोरमैट बनाकर दिखा दूंगी, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो देखिए 4 फंदों वाला डोरमैट बनके, देखो 4 फंदों वाला डोरमैट बनके तैयार है। अब इधर की साइड से क्या करेंगे, देखो हमारी 4 लाइन हो गई हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से हम अपने सभी फंदों को गठा देंगे, यानी बंद कर देंगे। ये मैंने सभी फंदे बंद कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसे हम कट कर देंगे। धागे को यहां से कट करेंगे, और इसमें नॉट लगा देंगे कस के। तो ये मेरा डोरमैट पूरा बनके तैयार है, इसे भी हम कट कर देंगे। देखिए ये मेरा पूरा डोरमैट बनके और तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।